नमस्ते, आज हम देखेंगे कि सब्जियों के पौधों के लिए मिट्टी कैसे बनाते हैं। सब्जियां ज़्यादातर सीजनल होती हैं और वो हेवी फीडर्स होती है, यानी उनको खाद अधिक मात्रा में लगता है। अगर आप हेल्दी पौधा चाहते हैं तो उसके लिए हेल्दी मिट्टी बनाना ज़रूरी है, ताकि पौधों पर बीमारी कम लगे। जैसे हम अच्छा खाना खाते हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे और हम कम बीमार पड़े, वैसे ही पौधों का होता है। मिट्टी पोषक हो तो पौधों में फूल आना, फल बनना, इसकी संभावना बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं कि मिट्टी कैसे बनाते हैं। आप जो मिट्टी नर्सरी से खरीदते हैं उसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं रहता है, वो सादी मिट्टी रहती है। उसको अच्छा बनाने के लिए हमको कुछ चीज़ें उसमें डालनी पड़ती हैं ताकि वो मिट्टी यूज़ करने लायक हो जाए। इस मिट्टी में अब हम 10 से 20 प्रतिशत तक नीम की खली डाल रहे हैं। नीम की खली यानी नीम की सीड्स का ऑयल निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है उसे नीम की खली कहते हैं, पर यह बहुत काम की चीज़ होती है। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस तो होता ही है, उसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। नीम की खली का फायदा यह है कि वह एक फंगीसाइड है, निमाटोसाइड है, यानी मिट्टी से होने वाली बीमारियों से पौधों को बचाता है। इसके अलावा मिट्टी में अच्छे माइक्रोब्स बढ़ाने में भी मदद करता है। नीम के खली की वजह से पानी पकड़ने की क्षमता मिट्टी की बढ़ जाती है और यह मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बनाए रखने में मदद करता है। नीम की खली एक बार आप मिट्टी बनाते समय जब डालते हैं उसके बाद उसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 5% तक बोन मील। बोन मील एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है जिसमें फॉस्फोरस का प्रमाण ज़्यादा रहता है। फॉस्फोरस के कारण पौधों की जड़ें मजबूत बनती हैं, जो पौधे को बढ़ने में मदद करती है और पौधा स्ट्रांग बनता है। पौधों से फूल और फल गिरने का प्रमाण फॉस्फोरस के कारण काफ़ी कम हो जाता है। पर बोन मील डालने से पहले अपने सॉइल का पीएच चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर पीएच 7 से ऊपर है तो बोन मील काम नहीं करेगा। तो आपको पहले मिट्टी का पीएच एडजस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हम बोन मील डाल सकते हैं। बोन मील आपको हर 3 से 4 महीने में रिपीट करना पड़ता है। अब हम इसमें डाल रहे हैं घर का बना हुआ कंपोस्ट। जितनी मिट्टी है उतना ही कंपोस्ट हम डाल रहे हैं। ये पौधों के लिए खाद का काम भी करता है और मिट्टी को हल्का और एयरी बनाता है। कंपोस्ट का पीएच एसिडिक होता है। ज़्यादातर सब्जियों के पौधों को एसिडिक टू न्यूट्रल पीएच लगता है। ये होममेड कंपोस्ट कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपके पास ये होममेड कंपोस्ट नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद। जितनी मिट्टी है उतना ही हम केचुआ खाद डालेंगे। अगर केचुआ खाद नहीं है तो आप इसमें काउडंग कंपोस्ट यानी गोबर खाद भी मिला सकते हैं, वो भी जितनी मिट्टी है उतना ही मिलाना पड़ता है। अब हम डाल रहे हैं कोकोपीट। कोकोपीट मिट्टी को हल्का बनाता है और उसकी पानी पकड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। क्योंकि हम ये पौधा गमलों में टेरेस पे लगा रहे हैं तो मिट्टी का भार कम करने के लिए हम इसमें कोकोपीट डाल रहे हैं। कोकोपीट प्लांट्स लगाने का एक अच्छा मीडियम है क्योंकि इसका पीएच जो होता है वो न्यूट्रल होता है। इसको हम 1:1 प्रोपोर्शन में यानी जितनी मिट्टी है उतना ही कोकोपीट डाल सकते हैं। अब इस मिट्टी को हम मिक्स करेंगे, अच्छी तरह मिलाएंगे और जो भी मिट्टी के गड़े हैं उनको फोड़कर उसका एक अच्छा मिक्सचर बना लेंगे। फिर यह मिट्टी हमारे गमलों में भरने के लिए तैयार हो जाएगी। हम फिर से देख लेते हैं कि हमने इस मिट्टी में क्या क्या मिलाया है। इसमें हमने ली है 1 भाग मिट्टी, 1 भाग कोकोपीट जो ऑप्शनल है,
उसके बाद लिया है एक भाग वर्मी कंपोस्ट और या गोबर खाद, उसके बाद एक भाग घर में बना हुआ खाद, नीम की खली 10-20% और बोन मिल 5-10%। अब मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि गमले में मिट्टी कैसे डालनी है। ये गमला है मिट्टी का, इसमें एक बड़ा छेद बनाया है सेंटर में। पहले हम इसे ब्लॉक करेंगे। दिवाली में जो दिए हम यूज़ करते हैं मिट्टी के, वो सबसे बेस्ट रहते हैं छेद ब्लॉक करने के लिए, या फिर आप कोई भी टिकरी या फिर ईंटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हमने अभी ब्लॉक किया है। एक अच्छा नीचे लेयर बनाने के बाद हम इसमें डालेंगे सूखे हुए पत्ते और सूखी हुई टहनियाँ। नीचे के 1/4 हिस्से में हम ये डालेंगे। उसको अच्छा प्रेस करने के बाद हम इसमें मिट्टी डाल सकते हैं। मिट्टी डालने के बाद हम उसको गीला करेंगे ताकि मिट्टी जितनी बैठनी है उसके जो एयर स्पेसेस है वो कवर हो जाए, और उसके बाद हम इसमें प्लांट लगा सकते हैं। अगर आप पॉली बैग्स यूज़ कर रहे हैं प्लांट्स लगाने के लिए, तो नीचे छेद करने के बाद आप इसमें सिर्फ डायरेक्टली सूखी पत्तियाँ और टहनियाँ डाल के मिट्टी भर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद।